वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अकाल मृत्यु क्या है? काल क्या है और अकाल क्या है? हमारे मनुष्य के 8 पहर होते हैं, यूं कहें कि 8 दशक जो भी मनुष्य जीवित रहता है वह पूर्ण हो जाता है, लेकिन इससे कम आयु में अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु का अर्थ यह नहीं है कि किसी बीमारी से, अकाल मृत्यु किसी को पानी में डूब गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की हत्या हो गई, यह अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु जो स्वयं इंसान अपने द्वारा करता है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु यूं कि षड्यंत्र रचकर पत्नी ने पति का गला घोट दिया तो यह है अकाल मृत्यु। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं यहां नहीं जाता तो मेरे साथ ये नहीं होता। कई बार आपने सुना कि एक बच्चा नहाने के लिए गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो अक्सर आप लोग कहीं चले जाइए, ये सब सुनने को मिलता है, काश मैं इस जगह ना गया होता तो मेरी मृत्यु या मेरे रिश्तेदार की मृत्यु ना हुई होती। लेकिन सत्य क्या है? अगर आप स्वयं अपनी फांसी लगाएं या आपकी पत्नी आपकी मृत्यु कर दे या आपके घर वाले आपसे धोखा कर दे, वह अकाल मृत्यु कहलाती है। होनी जो है वह होकर रहेगी। जहां पर जिस स्थान पर इंसान की मृत्यु लिखी है वह उस स्थान पर पहुंचकर ही रहेगा। इसी की एक सत्य घटना, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने एक व्यक्ति को बताया कि आपकी मृत्यु 14 तारीख को 2 बजे के टाइम एक्सीडेंट होके हो जाएगी। सारे घर वाले जानते थे कि अगर मेरा बच्चा 14 तारीख 2 बजे निकलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है? घर में सब लोग विराजमान हैं कि हम यमराज से अपने पुत्र को बचा लेंगे। अब माताजी घर से बाहर निकली 1:50 पर माताजी घर से बाहर निकलती हैं, उधर से खबर आती है कि माताजी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन माताजी की मृत्यु नहीं हुई। जिसकी मृत्यु थी घर से निकलते ही, जैसे ही उसने बाइक उठाई, पीछे से एक ट्रक वाले ने कुचल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको क्या सीख मिली? सीख ये है कि काल को रोका नहीं जा सकता। जब हमारा जन्म होता है तभी हमारी मृत्यु निश्चित होती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा किसी दवाई के पत्ते पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी लिखी होती है, किसी भी सामान को ले लीजिए, मान लीजिए कि पुराने समय में अगर गेहूं है
तो 4 से 5 साल में सड़ ही जाता है। उसी प्रकार से इंसान के कर्मों के मुताबिक उससे इस जीवन में कब तक जीवन का सुख भोगना है, कब काल आपको ले जाएगा, यह काल अपने हाथों में रखा है प्रभु ने। हम मनुष्यों को इस धरती लोक पर निरंतर आने जाने का फेरा लगाने का एक जरिया है। अगर हम लोग इस जन्म में, मनुष्य जन्म में अपने पापों को अंत कर देंगे तो हमारा जीवन इन 84 काट योनियों से बच जाएगा। कथा के माध्यम से यह आपको सीख मिली और हम सबको कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन प्रभु की वंदना करेंगे तो काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता। काल से वो इंसान डरते हैं जो कार्य करते हैं चंडाल का, काल भी उनका क्या करे जो भक्त है मेरे महाकाल के। जो महाभक्त, महाकाल के महाभक्त हो जाते हैं, काल उनको छू भी नहीं सकता। तो नित नियम आप लोग पूजा पाठ कीजिए और दान दक्षिणा दशवंत निकालिए, इससे आपके भाग्य में वृद्धि तो होगी, अकाल मृत्यु भी नहीं होगी।